पहले तो मैं गल इतों शुरू करांगा कि जरा थोड़ी माफ़ी है कि मेरी जड़ी पंजाबी है ना वो इस तरह है जिस तरह देसी घ्यू और डालडे का फर्क हुंदा ना, तो असली जरा थोड़ी बड़े बड़े लिखारी बैठे ने ते ओ मैं इसलिए मदद करनी बड़ी जरूरी हैगी है कि यह गल ना हो। तो बहुत शुक्रिया मैनू इतने दावत देन दा, और मैं समझना कि साडे लिए बड़ी खुशी की गल है कि साड़ी नसल ने जिहड़ा नुकसान किया है वह नवी नसल जिहड़ी है वह ठीक करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर तौहीद खौला और नासर ढिल्लू और बाकी सब लोग जिहड़े शामिल ने ऑर्गेनाइजर, मेरे ख्याल से इन्हों का सानू शुक्रगुजार होना चाहिए है कि इन्होंने इस ना सिर्फ मेले की दाग बेल डाली है, वो कोशिश कर रहे हैं कि साड़ी जिहड़ी माँ बोली है ये किस तरह इन्हू बेहतर किया जा सके और नेड़े करना। तो बहुत शुक्रिया तुहाडा, मेरे ख्याल च बहुत वड्डा काम है जिहड़ा तुसीं कर रहे हो। एक मैं थोड़ी जी कर दवा दुरुस्तगी, ये 8 सालों तो नहीं मैं इस मेले नू, मैनू पता ही इहदा मेरी समझो कम आएगी, मैनू पता ही पिछले साल चलिया तो मैं पिछले साल तो जुड़िया इहदे नाल। असी जिहड़ा फैसलाबाद लिटरेरी फैसटिवल है वो असी जरूर पिछले 9-10 साल तो कर रहे हैं और उहदे च वी एक मैं समझदा कि साडे कोल गलती होई है कि वह जो शुरू किया तो वह ना पहला मेरे को आने तो पहला रख बैठे से फैसलाबाद, वरना मैं फैसलाबाद और ना नहीं रख देना सी। और फिर असी उन्हों ठीक कर ली, मैं क्या भी यह हूँ चलेगा लैलपुर लिटरेरी कौंसल के अंडर, तो असी वो हूँ लैलपुर जोड़ा ना वो ठीक है वो असी कहने जी वो लॉयल के नाते, पर लैलपुर पंजाबी का हिस्सा बन गया साढ़े लिए। लैलपुर जोड़ा वो पंजाबी का लफ्ज़ है, उस पास चले जाओ उन्होंने भी पंजाबी का लफ्ज़ है लैलपुर, तो लैलपुर एक खुद लफ्ज़ है वो सिर्फ शहर का ना नहीं है। तो वो मैं समझना कि सानू यहोजे मेलिया में हूँ क्योंकि लैलपुर की गल होगी सानू यह चीज़ की दाग बेल रखनी चाहिए है क्योंकि यह शहर जो बनया सी अंग्रेजा ने ना नहीं बदलिया, यह ना पहले दिन तो लैलपुर से इनू या तो सानू मैं बड़ा एहतराम करता है अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करे शाह फैसल साहब के, या तो सानू कोई 10-20-25 अरब डॉलर दिते होंगे ना शहर लिए, असी ना क्यों बदलता बी असी मुफ्त ने ना बदलता वो भी साढ़े शहर का बदल दिता, तो यह साढ़े बड़ा जुल्म होया। तो ये खासकर जो नौजवान बच्चे बैठे ने इन्हों कई तो पता ही नहीं, मगर है कि लैलपुर के नाल जी पंजाबी लैलपुर भी मुहब्बत करनी चाहिए है। तुम वो जिदा डॉक्टर साहब ने भी गल की उस पास चले जाओ सरहद दे तो उत्थे लैलपुर लोग बहुत जानते हैं, तुम दिल्ली चले जाओ, तुम अमृतसर चले जाओ, जलंधर चले जाओ, लैलपुर का नाँ जरा लोग जानते हैं, तुम फैसलाबाद तो हो किसी नहीं पता कि कितों आए हो। तो अस वो एक तो एक चीज़ हैगी। दूसरा असी जिस वेले लैलपुर लिटरी कौंसल बनाई या फैसलाबाद लिटरी फैसटिवल शुरू किया मैं समझना कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने गल की है अदब का फरोग तो एक अपनी चीज़ हैगी, मगर साढ़े मुल्क बदकिस्मती दे नाल जिहड़ा इज़हार राय की आज़ादी है कि जो गल कहनी है वो कह दियो, नहीं तुहानू पसंद दूसरे आती ना, एक तहजीब के दायरे च रह के गल करो, वो तो कदी तो साड़ी वो जिहड़ी है कह लो कि वतन नाल जिहड़ी वफादारी है वो तो शक हो जाता है, कभी दीन दे नाल वफादारी ते शक हो जाता, इल्जाम आ जाता है, वो किसी ना किसी तरह जबान जिहड़ी है ना उन्हों बंद करने की कोशिश की जाती है। और फिर माजरत दे नाल वो जदों दा मीडिया कमर्शल होया है वो फिर मैनू हुण बाद तो मैं बाहर बहुत जाना लोग पुछते जी तुहाडे मुल्क चाहे हो गया, मैं कहा यार गल है कि बुरी खबर विकती है जिहड़ी अच्छी खबर है वह विकती नहीं, तो वो फिर वधा चढ़ाक भी होंदी है वो कुछ दी कुछ बन जाती खबर सोशल मीडिया भी कुछ बन जाती है, तो लोगों को लोगों का दिमाग समझ नहीं आती कि असल गल की है। तो हुण साडे कोल ते सिर्फ वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां च अदबी तकरीर होनिया ने किसी गलत नहीं आती तो पाबंदी लग जाती कि यार बंदा नहीं बोल सकता है, नहीं यार गलत सुनो दूसरे की, उसकी गल ना मनो, तहजीब के दायरे से रह के दूसरे की गल सुनना यह साढ़े साड़ी तहजीब का हिस्सा है। तो वो ये इसलिए जोड़े अदबी मेले ने थोड़ा जहा वो वाला जोड़ा एक कह लो कि फासला या गैप पैदा हो गया उन्होंने भी कम कर मदद देंगे ने कि इतने असी गल निस्बतन खुल के कर लें, और ये तू भी यही चाहिए कि तुम जरा जोड़ा भी बंदा जोड़ा दोस्त जोड़ा कोई बीबी गल कर रही है वो गल सुनो समझो,
नहीं समझ आती तो कोई गल नहीं ना मानो पर ये ना इखलाफे राय होना कोई गलत गल नहीं हैगी पर गल सुननी चाहिए। ये नाल हम जी माँ बोली की गल हुई है मेरा क्योंकि तालीम दे नाल बड़ा ताल्लुक हैगा असी मैं द सिटीजन फाउंडेशन नाल कई सालों तो जुड़िया हुआ है उन्होंने बोर्ड से भी है और सिटीजन फाउंडेशन के 1800 स्कूल ने साडा बड़ा झगड़ा चलता रहा कि जी तालीम है किस जबान च होनी चाहिए और ये तो इंटरनेशनल रिसर्च जी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है असी इतने एवें रौला पाया हो सू समझ नहीं आती वो इनू ज़्यादातर तीन लैंग्वेज L1, L2, L3 करते हैं जी सा माँ बोली वो साड़ी पहली लैंग्वेज है फिर कोई नैशनल लैंग्वेज हो सकती है जिस तरह साढ़े सिलसिले से उर्दू हैगी है वो L2 है फिर L3 आती है जी कोई बिजनेस लैंग्वेज है कितने कोई फ्रेंच है कितने स्पेनिश है कितने इंग्लिश है तो वो जड़ा बच्चे की समझ है वो ये सिर्फ यह मसला नहीं है मेरे ख्याल हमने गल भी हुई है कि अपनी जबान है ये बच्चे की समझ का ताल्लुक ही मादरी जबान च है। अच्छा असी वह तजर्बा किया सिटीजन फाउंडेशन तजर्बा किया बड़ा तुम जिदा सिंध के देखो सिंधी है उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंधी है वो सरकारी जबान भी हैगी है वो हूँ उत्थे एंग्रो वाले ने थर जितों कोला निकल रहा है उत्थे सिटीजन फाउंडेशन के कोई स्कूल बनाए असी नापते भी रहने कि बच्चे ने कि गल समझी है वो फिर असं जो देखा कि वो सिंधी जो जोड़े उस इलाके के बच्चे ने उन्हों की समझ उन्नी नहीं हैगी जिनी बाकी सिंध के इलाक की है उत्थे वो थरी जबान बोली जाती है जबान फर्क है। अच्छा वो फिर दो तीन साल तो तजर्बा किया कि जो पहली तीन क्लासा जी थरी मीडियम इंस्ट्रक्शन कर दौ तीन साल बाद बच्चों की समझ ही फर्क हो गई यकदम उन्होंने जरा वो एसर टैसटिंग होंगी है वो जो आउटकम्स ने वो डबल हो गए तो यह तजर्बा करके देखा है नहीं कि सुनी सुनाई गल है तो ये पंजाबी ना मुहब्बत या पश्तो ना मुहब्बत बहुत अच्छी गल है पर बच्चे पढ़ाने की उन्होंने समझ देने की जरूरत है कि पहलियाँ चार पाँच क्लासा जीडिया ने वो माँ बोली होनी चाहिए वो बाद उर्दू पढ़ाओ अंग्रेजी पढ़ाओ ये साड़ी सिर्फ क्योंकि असं यू समझ लें कि शायद कोई अपनी इलाकाई गल हो रही है लसानी गल हो रही लसानी नहीं है पूरे मुल्क की तरक्की का मसला है जब तक बच्चे समझणगे नहीं तो उन्होंने काम किस तरह आएगा तो तुम हूँ असी गल की सू मेरा ख्याल है सब तो ज़्यादा कसूर साडा पंजाबियों का है साढ़े को किसी ने साड़ी जबान नहीं खोई असी आपे खोई है साढ़े असी पंजाबी छड़ दो बच्चा अंग्रेजी बोलता है वो जरा तलफ़ चंगा ना असी शर्मिंदा कर दें वो तेरा तलफ़ ठीक नहीं है दुनिया के किसी मुल्क चले जाओ फ्रांस ईवन तुम हिंदुस्तान के टीवी कभी देखो उत्थे जो लोग अंग्रेजी बोलते और तलफ़ तलफ़ उन्होंने ठीक नहीं होता साढ़े बच्चे अगर अंग्रेजी का भी तलफ़ गलत हो गया ना तो उन्होंने शर्मिंदा कर देते हैं तो वो पंजाबी असं समझना कोई गुबारा की जबान है भाई साड़ी माँ बोली है असी आप इनू असी पंजाबियों ने मेरे वर्गे पंजाबियों ने इन दूर किया कौन मना करता है कड़ी हुकूमत ने मना किया कि पंजाबी ना हो सरकारी जबान या पंजाबी ना हो मीडियम स्ट्रक्चर साड़ी पंजाब हुकूमत कर दे जिस तरह मैं कह रहा ठीक है सरायकी दी सरायकी होे पंजाबी हो फर्क डायलैक्ट कोई फर्क किया जा सकता अपने आप लिखारी भी पैदा होंगे लोग भी पैदा होंगे समझ भी होएगी तो वो बस ए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवाँगा मेरे ख्याल मेरे को बहुत ज़्यादा इलम दी गल्लां नहीं हैगियां मगर यह कि मैं बड़ा खुश हैगा मेरी बड़ी साड़ी ख्वाहिश हैगी है वो जो असी फैसलाबाद लिटरेरी फैसटिवल चला रहे हैं वो भी इसलिए चला रहे हैं कि यार फैसलाबाद के लोगों के पैदा होए जज्बा पैदा होए बच्चों नवे मौका मिले और असी उत्थे भी देखिया इतने भी मैं देख रहा कि नौजवानों की बड़ी पार्टीसपेशन हैगी तो यही साढ़े लिए उम्मीद की बड़ी किरण हैगी है कि साड़ी नसल ने जो काम खराब किया जो गंद मैं कहूँगा माजरे देना घोलिया इस मुल्क के नाल नवी नसल ने ठीक करना है तो ये अल्लाह ताला तुहानू होर इहदे च भाग लावे तुहानू होर हिम्मत दे तो मैं तुहाडे नाल बहुत शुक्रिया। मैं मानजोग साढ़े अज के उचेचे परौने मुसद्दक ज़ुल्कर नैन जी होरां नूं रोक रहे हैं थोड़ी देर लई वो ये वे कि 8वें लैलपुर पंजाबी सुलेख मेले वालों तुहाडे माण च एक कह लो कि आजादी शील्ड जी तुहानूं असीं पेश करांगे।